ब्रांचेस पढ़ुले तो आम प्रथम जुलोजी ब्रांचेस प्योर ब्रांच पढ़ुले प्योर ब्रांच बहुत गुड़ा कही दी तो टुडे विल स्टार्ट अबाउट द ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस तो आम कि ब्रांचेस को पढ़ी सारापर आम भितर गलत जुलोजी पढ़ाक बहुत इजी हम और आम बुझीपर भल भाव तो से ब्रांचेस गुड़िक आग फास्ट क्लीयर हवा और ब्रांचेस गुड़िक तुम जो पूरा क्लीयर हो तुमको जुलोजी सब जिस थीओरी तुमको भल लगे मत लगे पढ़ाक क्या सब जिन तुम एक्वेंटेड होक्वेंटेड हाँ टी अल्प समय लगे अवश्य बट तुम जो एक्टिवनेस पढ़ार जब मनोज थोड़ा तुम जब आग्रह इंटरेस्टिंग सहकार देख निश्चित भाव में इंटरेस्टिंग आसो पढ़ाक मजा लगे भल लगे तो आज आम स्टार्ट करवा ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस तो ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस रे आमे पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन विषय रे पढ़िबा डील्स विद द पर्टिकुलर ऑर्गन तो ऑर्गन ओरिएंटेड ब्रांचेस रे फर्स्ट मु स्टार्ट करबी ऑस्टियोलॉजी नंबर 1 ऑस्टियोलॉजी तो ऑस्टियोलॉजी ओटा एमिति का ब्रांच जो थरे डिफरेंट बोन्स विषय रे पढ़ाबो जेमति की ज्योति की हमरा बोन्स डॉक्टर गुडी तो से माने को ब्रांच पढ़ी के आस्तांती बा को ब्रांच पढ़ी के से माने ऑस्टियोलॉजिस्ट हे थांती दैट इज ऑस्टियोलॉजी ब्रांच तो ऑस्टियोलॉजी ब्रांच रे डिफरेंट बोन्स ऊपर हम पढ़ला इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स स्टडी ऑफ बोन्स स्टडी ऑफ बोन्स नंबर 1 नंबर 2 कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी तो कार्डियोलॉजी ब्रांच रे तो माने जानिथबो कार्डियोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट द हार्ट रो डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन ऊपर कार्डियोलॉजी रे पड़ता है एटा होची स्टडी ऑफ हार्ट स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी नंबर 3 आमे आसीबा नंबर 3 को न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी तारे न्यूरोलॉजी ब्रांच रे कौन पढ़ा जाए बा ए ब्रांच रे कौन थाए इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्व्स नर्व्स माने स्टूडेंट मन रखिथाओ स्नायु कोष त आमो शरीर भितरे डिफरेंट स्नायु बा नर्व्स गुडी को थाए जोडी को आमर ब्रेन सहित कनेक्टेड थाए त आमर ब्रेन सारा शरीर को कंट्रोल करे थे इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आम शरीर प्रत्येक कार्यकलाप इट मे बी रेस्पिरेशन हो सर्कुलेशन हो ब्रीदिंग हो एवरीथिंग डाइजेशन एवरीथिंग एवरी एक्टिविटी दिस इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी दैट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन ब्रेन ताको कंट्रोल करे थे तो ब्रेन सहित आम नर्व्स बा स्पाइनल कॉर्ड गुडी को कनेक्टेड हे थे तो बेले बेले देखियो स्पाइनल प्रॉब्लम बहुत लोगों को हे थे कि एक्सीडेंट रे स्पाइनल प्रॉब्लम होते हैं कहको पैरालिसिस होता है ब्लड हाई ब्लड प्रेशर रो पैरालिसिस होता है बेले बेले हाइपोटेंशन बा हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू पैरालिसिस तो न्यूरोलॉजी रे हमरो देखियो विभिन्न प्रकार एक्सीडेंटल केस रे भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आसी जाए हाई बीपी हेले भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हे जाए बा हमरो जो स्पाइनल कॉर्ड वीक हे जाए तो से क्षेत्र रे हम कोठी जाके देखिया पे को डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट अर्थात न्यूरोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्व नर्व रिलेटेड ब्रेन रिलेटेड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जो थाय ब्रांच दैट इज न्यूरोलॉजी तो न्यूरोलॉजी डॉक्टर को हम देखिबा जदी न्यूरोलॉजी का किसी प्रॉब्लम हुई तो एटा होचे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व्स नर्व्स माने होची स्नायु कोष नंबर 4 हेपाटोलॉजी ब्रांच रे हमें कौन पढ़े हेपाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिवर तो तुम मैंने स्टूडेंट जानी छो लिवर माने ओडिया रे हमें कहउछंती जकृत
बा कलिजा एक्चुअली लिवर थाए कोठी लिवर प्रेजेंट एट द टॉप राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन तो हमर ए मिडिल पर्सन ए जो कहउचंती दिस पर्सन इज कॉल्ड एब्डोमेन तो एब्डोमेन राइट टॉप राइट पर्सन को लेटी हमर लास्ट ए जो प्रंजरा अछि बा रिब्स अछि या तळो को थाए लिवर एंड लिवर व्हिच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी आम बॉडी रो सबटु बडो ग्लैंड होची लिवर बिकॉज़ इट्स वेट इज अबाउट 1.5 रु 1.8 केजी दैट मींस 1.5 किलो रु मते अधिक या वेट ता थाय ते 1.5 किलो उटे लिवर तमरे ए राइट कटे थाय डाण पड को टॉप राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन थाय तो एई एक्चुअली ए लिवर को जो ब्रांच रे पढा जाय ताको कहती हेपेटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ लिवर स्टडी ऑफ लिवर नेक्स्ट नंबर 5 हेमाटोलॉजी HEMATOLOGY हेमाटोलॉजी तो हेमाटोलॉजी रे हम डिफरेंट जो ब्लड विषय रे पढिबा ब्लड एंड ब्लड वेसल्स स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स तो ब्लड रिलेटेड बहुत गुडे डिजीज भी थाय जेंति कि हमें पढितबा एनीमिया तापरे तमरो थैलेसीमिया जोथरे कि ब्लड सबले शॉर्टेज हि थाय लोककर किछि छोटो छोटो छुआ मान के भी थैलेसीमिया हुए एनीमिया हुए आरबीसी डिक्रीज करि जाय एवं रक्तहीनता हुए तो एटा होछि ब्लड डिफरेंट समथी डिजीज उडी क थाय तो सी ब्लड रिलेटेड एंड ब्लड वेसल्स रिलेटेड ब्रांच होछि हेमाटोलॉजी तो एठे हमें कहि परिबा स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ओके देन नंबर 6 पहले हमें जानी गले ऑस्टियोलॉजी रेडियोलॉजी न्यूरोलॉजी हेपेटोलॉजी हेमाटोलॉजी ओके नेक्स्ट होची नेफ्रोलॉजी ब्रांच रे हम पढिबा स्टडी ऑफ किडनीज तो ए पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इन वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो हमरो मेरुदंड रे ए पछ पड़बे त पोस्टीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम तो पछ पाखरे लोकेट दिस ए पाखरे पछ पाखरे ए मेरुदंड बाय जो वर्टिब्रल कॉलम रो ओबे पास रे पछ पाखरे एटी पॉइंट देखो जे तुम देखो ए पॉइंट रे दीरा किडनी थाय तो ब्रुक को बोली हमें तो कोच होते ओडिया रे किडनी को ऐसे किडनी दीटा ए पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और मेरुदंड एट द पोस्टीरियर साइड बा पछ पाको को थाय तो ए जो किडनी जो ब्रांच रे में पढिबा दैट इज नेफ्रोलॉजी तो नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनीज तो जदी तमे टिके देखिया को चाहिबो फिगर रे मो एटिया तो मु देखि दउ छी किडनी रो फिगर विजिबल हो छी This is the picture of the kidney. A pair of kidneys present one other either side of the vertebral column and kidneys re jo dira dokcho duct asichi bladder ko eta hochi parisara thodi va bladder eta hochi bladder ta parisara thodi to the duct which arises from the kidney and open into the bladder that duct is ureter ekka me kahuchanti ureter to which helps in passing the urine from kidney to the bladder तो किडनी रु ब्लैडर बा परिसर थोड़ी को यूरिन को लेके आसे के यूरेटर से इट्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कनेक्टेड विद द किडनी अप टू ब्लैडर तो किडनी रु जो डक्ट बा जो ट्यूब ब्लैडर को कनेक्ट हित को ताको कहंती यूरेटर एंड इट्स का फंक्शन है यूरिन को ओ पासस करके इधर लाता है ब्लैडर इट पासस द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर ओके
तो आम ये पढ़ले नेफ्रोलोजी का नेफ्रोलोजी ब्रांच रे कौन स्टडी ऑफ किडनीज तो अगेन जो मो ब्रांच टा कहिबी नंबर 7 रे नंबर 7 ब्रांच रे 6 टाइप ऊपर को देखिया आमे यूरोलॉजी 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 इज द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक यूरिनरी ट्रैक तो दिस इज द ट्रैक्ट लुक एट दिस पिक्चर किडनी यूरेटर जो डक्ट नहीं आसी छि बा जो डक्ट अराइज फ्रॉम द किडनी किडनी रु आसी कि ब्लैडर को लागी छि एवं ब्लैडर रु यूरेथ्रा जो परिसर पर लागी छि जो थे कि यूरिन पासिंग करते एटा यूरेथ्रा यूरेथ्रा डियर जिंस एटी मन रखो किडनी रु यूरिन को नहीं के आस्था के यूरेटर ए जो ट्यूब टा यूरिन को नहीं के आसे ब्लैडर को ब्लैडर यूरिन टा आउटसाइड को रिलीज करे थे यूरेथ्रा देखि बा परिसर पर देखि टोटल ए जो ट्रैक का बा रास्ता में देखु जों जो कि यूरिन आसे छि किडनी रु यारी रो डिफरेंट ए जो स्ट्रक्चर को हमें कोठी पढ़ना को ब्रांच रे दैट इज द यूरोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट जति कोनोसी मनुष्य कर बा कोनोसी ह्यूमन बीइंग कर कोनोसी भी प्रॉब्लम था ट्रैक्ट प्रॉब्लम बेले बेले तमे सुनी थिबो जे यूरिनरी ट्रैक्ट रे इन्फेक्शन थिबो यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज थिबो बहुत समय रे देखा जाए जे देखिबो परिसरा कम हुए ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दिस ट्रैक्ट ए ट्रैक भीतर कोठी भी जदि किछ ब्लॉकेज हुए ताले परिसरा बंद हो जाए परिसरा कम हुए तेंते दुनिया डिफेक्ट सब आसी था डिफेक्ट अराइज हुए तो एमिति का जते ट्रैक्ट डिफेक्ट बा ट्रैक्ट रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड कोनो से जदि तुमको प्रॉब्लम आसे बा डिसऑर्डर आसे ताले तमे को डॉक्टर पाकु जीव देखिया पई दैट इज यूरोलॉजिस्ट बिकॉज यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को ब्रांच पढ़ी थांती यूरोलॉजी दैट मींस स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट नेक्स्ट नंबर 8 मायोलॉजी 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 को अदरवाइज आमे सार्कोलॉजी भी कहिबा मायोलॉजी को अदरवाइज सार्कोलॉजी कहि परिबा तो इट इज द स्टडी ऑफ मसल्स स्टडी ऑफ मसल्स स्टडी ऑफ मसल्स तले आमे जानि छथि आमो बॉडी मेनली कंपोज्ड ऑफ मसल्स तो मसल्स गुडी को आमो बोन्स सहित अटैच हे था तो मसल्स गुडी को आमो बॉडी रे डिफरेंट टाइप रे अछि मसल्स जेंति कि आमे कहिबा स्ट्रिएटेड मसल्स अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड द कार्डियक मसल्स मन रखे त मसल्स मेनली 3 टाइप्स मसल्स गुडी को मुख्य 3 प्रकार गुटे होछि स्ट्रिएटेड मसल्स स्ट्रिएटेड मसल्स रो अर्थ कोन द मसल्स आर द फ्लेश व्हिच अटैच विद द बोन जो मांसपेशी गुडी को हम हाड बा बोन सहित अटैच अछि ताकु हमें कहिबा स्ट्रिएटेड मसल्स जो मसल्स गुडी को हमें वोलंटरी मसल्स मध्य कहंती बिकॉज़ वोलंटरी का मतलब दैट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल अर्थात वी कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल्स विद आवर ओन विल हम निज इच्छा अनुसार मु कहि मोर एमिति करब कोई मोर एमिति मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मु कहि मोर एमिति करब तो बॉडी रो जे कोनो से मसल्स को तमे नीचे कांटेक्ट करबे सेत में हम वोलंटरी मसल्स भी कहू छथि नेक्स्ट मसल्स होची अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो मसल्स गुडी को तो ब्लड वेसल्स रे थाए यूरिन डायरेक्ट ट्रैक्ट थाए ब्लैडर रे थाए तक हमें से मसल्स गुडी को कह परबा अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड द कार्डियक मसल्स होची कोन स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट अराउंड द हार्ट हार्ट रे जो मसल्स गुडी को थाए तो से जो डिफरेंट मसल्स विषय हमें को ब्रांच रे पढ़ीबा मायोलॉजी और अदरवाइज कॉल्ड द तक हमें सार्कोलॉजी मध्ये कहते नेक्स्ट नंबर 9 नंबर 9 दैट इज ऑप्थाल्मोलॉजी 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 ब्रांच रे इट इज द स्टडी ऑफ आई विजन आई विजन आखि रिलेटेड सब जिनसे गुड़ी कोई ब्रांच रे पढ़ेगो स्टडी ऑफ आई विजन तो हम आईज रिलेटेड बाकी रिलेटेड हमें ब्रांच होची कौन ऑप्थाल्मोलॉजी नंबर 10 नंबर 10 ऑप्थाल्मोलॉजी वाला ओडोंटोलॉजी
ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी गोटे एमती का ब्रांच जो थे पढ़ा टीथ मान विषय डिफरेंट टीथ। तो मनीष मान डिफरेंट टीथ अच्छी तुम मैंने जान टीथ गुड़िक मुख्यतः मनीष मान फोर टाइप थाए जमी कि इनसीजर आग दात गुड़िक जो तुम खसीदे पाची दात जो देखा जाए सामने पट को तले चार सी हूँ इनसीजर एवं जो गोजिया दात उपरे दीटा अच्छी एपट सेपट एपट दूर गोजिया कुकुर दात भाई देखा जाए सी हूँ कैनाइन एंड कड़ दात प्रीमोलार एंड मोलार फोर टाइप्स ऑफ टीथ थाए। तो ये टीथ गुड़िक डिफरेंट जो टीथ गुड़िक ह्यूमन बीइंग अच्छे से टीथ गुड़िक हमें को ब्रांच में पढ़ा दैट इज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ नेक्स्ट नंबर 11 ओटोलॉजी ओटोलॉजी हूँ स्टडी ऑफ ईयर कान ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर तो आम दीटा कान अच्छे जो कान गुड़िक आम इयर बोली कहते हैं को ब्रांच में पढ़ेगा ऑटोलॉजी ऑटोलॉजी ब्रांच में डिफरेंट कान मान विषय विभिन्न प्रकार पढ़ी पाइबा। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर 12 राइनोलॉजी The rhinology is a branch of this is the branch which is study of nose ba am nak vishay jo branch re pade that is study of nose that is rhinology study of nose clear। next uchi am padiba dermatology number 13 dermatology एमती गोटे ब्रांच जो थी आम स्किन विषय पढ़ा चर्म पढ़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्किन बुझे। तो डर्माटोलॉजी आम पढ़ा स्टडी ऑफ स्किन ओके समस्त स्किन स्किन जो आमको घोड़े के रखी तो मैंने जान थो स्किन आम बॉडी को कवर हो बॉडी को आमको प्रोटेक्शन दूसरी एंड स्किन टा होची आमर वाटर प्रूफ थाए तुम जान कारण आम स्किन देखिए कौन सी वाटर डायरेक्टली एंटर कर पारे कारण वाटर प्रूफ आवर स्किन इज और ह्यूमन स्किन इज वाटर प्रूफ ड्यू टू प्रेजेन्स ऑफ केराटिन प्रोटीन ये गोटे जिन मन रखी था जो मनीष मान स्किन वाटर प्रूफ कहीं ना तुम गाधे उठला बेलू दि किलो पा पशी जाइए बड़ी भितर तो पा एंटर करटर एंटर कर वाटर प्रूफ अच्छे स्किन ओनली ड्यू टू द प्रेजेन्स ऑफ केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन थी जो स्किन रे आम स्किन वाटर प्रूफ होता है स्किन मान विषय स्किन विषय जो ब्रांच पढ़े दैट इज डर्माटोलॉजी। नेक्स्ट आगे नंबर 14 आर्थ्रोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स वैरायटी जॉइंट रिस्ट जॉइंट वैरायटी जॉइंट्स गुड़िक अच्छी। तो ये जॉइंट्स रे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी था जमी कि आर्थराइटिस केस जोड़ा कहते आर्थराइटिस गुड़िक जो आंठू गंठी बात बोली कहते ओडिया आर्थराइटिस एमती आजिकल आर्थराइटिस पेसेंट बहुत भी बढ़ी गले देखो आर्थराइटिस गुड़िक विभिन्न प्रकार था जमी कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस गट एमती डिफरेंट आर्थराइटिस अच्छी आंठू गंठी बात अच्छी जो थे कि देखिए एजेड लोक मैंने कि मोटा शरीर थी आर्थराइटिस नचे जो मान देखो मोटा शरीर थाए गोड़ अनुसार शरीर टी अधिक था प्रेसर पड़े आंठू गंठी पेन हुए
କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଥଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଗୋଇଠି ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼େ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହେଲେ ଭାରି ବିପଦଜନକ ବା ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ଏବଂ କୋଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବେ, ଆର୍ଥ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲା। ତ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢ଼ିବା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋଲୋଜି। କ୍ଲିୟର ଅପ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଏବଂ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଜାଣିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଜୁଲୋଜି, ଆଣ୍ଡ ଜୁଲୋଜି ଇଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଟିକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟୁର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅର୍ଗାନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିବ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ତ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ରେ ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଏଣ୍ଟୋମୋଲୋଜି। ଏଣ୍ଟୋମୋଲୋଜି 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 ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େ, ଇନସେକ୍ଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ତ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପଢା ତାର ଏଣ୍ଟୋମୋଲୋଜି, ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଗଲା। ନମ୍ବର ଟୁ ରେ ଆମେ ପଢିବା, ନମ୍ବର ଟୁ ରେ ଆମେ ପଢିବା ଅଫିଓଲୋଜି। ଅଫିଓଲୋଜି ତ ଅଫିଓଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢାଯାଏ। ଅଫିଓଲୋଜି ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ସ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ନେକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହର୍ପେକ୍ଟୋଲୋଜି, ହର୍ପେକ୍ଟୋଲୋଜି ହର୍ପେକ୍ଟୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ସ୍ନେକ୍, ସ୍ନେକ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ହର୍ପେକ୍ଟୋଲୋଜିରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ସ୍ନେକ୍ର ଏବେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ସ୍ପେଶାଲ ସେପାରେଟ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଫିଓଲୋଜି କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସ୍ନେକ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମେ ହର୍ପେକ୍ଟୋଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ରଖା ହଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ସ୍ନେକ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ଅଫିଓଲୋଜି, ତେଣୁ ସ୍ନେକ୍କୁ ସବୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବଟ୍ ହର୍ପେକ୍ଟୋଲୋଜିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ତ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ନମ୍ବର ଫୋର୍ରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି, ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି ତ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାର୍ଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ବାର୍ଡ୍ସ। ତ କିଛି ବାର୍ଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଂ କରିପାରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ କିଛି ବାର୍ଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଂ କରିବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାର୍ଡ୍ସକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢା ଯାଏ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବାର୍ଡ୍ସ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବାର୍ଡ୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି, ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି ତ ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢ଼ିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିସେସ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫିସେସ୍, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫିସେସ୍। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିସେସ୍କୁ ଆମେ ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସକୁ ଯିବା, ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ନମ୍ବର ସିକ୍ସ
दैट इज मामोलोजी। मामोलोजी तो मामोलोजी ब्रांच रे हम पढिबा स्टडी ऑफ मैमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स जति सने पई कहि छथि ताको हम मामोलोजी ब्रांच रे पढिबा। स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट नंबर 7 बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ते मु कहितली गोटे एटा होची सेपरेटली गोटे पर्टिकुलर कोनसी ऑर्गेनिज्म ऊपर पडचोती आ कारण एटा होची ऑर्गेनिज्म रिलेटेड ब्रांचेस। त बैक्टीरियोलॉजी रे हम पढिबा इट इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 8 वायरोलॉजी। वायरोलॉजी रे हम पढिबा स्टडी ऑफ वायरसेस। स्टडी ऑफ वायरसेस। नंबर 9, नंबर 9 रे पढिबा हमें पाराजूलॉजी। पारा जूलॉजी। ओके पाराजूलॉजी रे पढिबा हमें कौन स्टडी ऑफ के पॉज करिबे स्टडी ऑफ तो हमें पाराजूलॉजी करिबा। पाराजूलॉजी होची स्टडी ऑफ स्पंजेस। स्टडी ऑफ स्पंजेस तो स्पंजेस मान को विषय रे, स्पंजेस मान को विषय रे जो हमें ब्रांच रे पढे दैट इज पाराजूलॉजी। तो माइंड रे प्रश्न आतो था स्पंजेस कोन। स्पंजेस रो ओडिया होची छिद्राळी। तो हम पढ़ी आगे ओडिया भी छिद्राड़ी विषय कारण द मेराइन एनिमल से मेराइन रहती स्पंजेस गुड़िक बॉडी रे बहुत गुड़ा वेरियस न्यूमेरस पोर्स थाए बा रंध्र थाए तो से रंध्र जो आम छिद्राड़ी भाई ओडिया कहते एंड दिस लिव इन द मेराइन और समुद्र में रही था एंड से जो स्पंजेस जो छिद्राड़ी जो पोर विशिष्ट रंध्र विशिष्ट जो प्राणी को आम जो ब्रांच रे पढ़ा दैट इज पाराजूलॉजी। नेक्स्ट नंबर नंबर 10, नंबर 10 रे पढ़िबा हमें कंकोलॉजी। कंकोलॉजी तो कंकोलॉजी ब्रांच रे पढ़िबा स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ मलुस्का। मलुस्का मान जति सब गेंडा सामुका फैमिली रो सब छथि ताको कंकोलॉजी ब्रांच रे पढिबो। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रांच होची नंबर 11 तो नंबर 11 ब्रांच हम पढिबा नीडोलॉजी। नंबर 11 नीडोलॉजी ओके नीडोलॉजी होची कौन स्टडी ऑफ फिलेट्रेट। स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ फिलेट्रेट तो सिलेंट्रेट मानु को आमे जोड रे पढिबा जेंति कि आमे हाइड्रा जेलीफिश स्टारफिश जुरा आमे पढु छथि बा पढिबा आगु तो से हाइड्रा बा जेलीफिश स्टारफिश जो अछि ताको आमे को ब्रांच रे पढिबा नीडोलॉजी। Study of cylindrates, that is nidology. Okay, the these are the various type of branches of organisms or organism oriented branches. The audi time ki kahi deba goto hochi protozoology. Protozoology data hochi study of protozoa, study of प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इज अ प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रोटोजोआ रे डिफरेंट सर प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर एककोशी प्राणी गुडी को प्रोटोजोआ ताको प्रोटोजूलॉजी रे पढा जाय। ओके तो आउटे हम पढीबा नेमाटोलॉजी।
नंबर 13 नेमाटोलॉजी। नेमाटोलॉजी तो नेमाटोलॉजी ब्रांच रे पढ़ीबा हमें स्टडी ऑफ नेमाटोड्स। स्टडी ऑफ नेमाटोड्स। ओके तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांचेस। तो हमें ऑर्गेनिज्म ओरिएंटेड ब्रांचेस ऊपर बहुत किछि कहि देलनी व जानि गेलनी। या परे हमें पुनी आगु जिबा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जिबा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रे हमें देखिबा जे डिफरेंट सब एनिमल्स को तर साइंटिफिकली नेम गुड़ी को दिया थे। या को प्रथमे इंट्रोड्यूस करथिले कार्लोस लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो या परे हमें ठीक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आडू जिबा। ओके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स इसका मतलब बाई माने कौन कहिलो। बाई माने टू। बाई माने दुई। नोमियल माने कौन। नोमियल नोमियल मींस नेम। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग। तले बाई मींस टू। नोमियल मींस नेम एंड नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग। तो हमें टोटल यदि डेफिनेशन कहे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली यदि हमें डिफरेंट एनिमल्स को नेमिंग करिबा बा नामकरण दबा बा नामकरण टाकी अलग अलग नाम रे साइंटिफिकली तले हम तक कहे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हमें ठीक लिख दबा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डेफिनेशन यदि नेमिंग ऑफ different animals scientifically different animals को हमें naming करीबा नामकरण करीबा जो process ताको करीबा हमें binomial nomenclature। तो okay तो binomial nomenclature बीचने हमें जान ले जे जो भी कौन different animals को साइंटिफिकली हमें नेमिंग दवा। तो बाय मींस टू। तो नोमियल मींस नेम एंड नोमेनक्लेचर माने होची नेमिंग। तो डिफरेंट एनिमल्स को हमें दीटा नारे नामित तो करि परिबा। तो इट्स अ नेमिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स साइंटिफिकली एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कार्लोस लिनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लिनियस। तो इस स्पेलिंग जब भूल करिबे नी कार्लोस लिनियस सी ए आर ओ एल यू एस कार्लोस लिनियस एल आई एन एन ए ई यू एस लिनियस। तो कार्लोस लिनियस प्रथमे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करथिले एंड ही डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू टू नेम्स और दीटा नेमिंग रे तो देखले गुटे होची फर्स्ट जेनस व्हिच कंटेन्स और इंक्लूड्स द जेनेरिक नेम एंड गुटे होची स्पीशीज व्हिच इंक्लूड द स्पेसिफिक नेम। एंते कि मु तम को गुटे एग्जांपल देबी दीटा जो ना को जदी गुटे ह्यूमन बीइंग रो सपोज आमे देबा ह्यूमन मनीषर साइंटिफिक नेम होची होमो सापियंस। तले ये जो होमो पोर्शन एटा होची जेनस पार्ट टू पार्ट। एक्चुअली साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स जेंति कहउचंती आमे वैज्ञानिक ना जो दउ देथिले कार्लोस लिनियस पर साइंटिफिकली जो नेमिंग करथिले डिफरेंट एनिमल्स कर
दीटा एक्चुअली नाम को दे की करे थिले बा दीटा साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स साइंटिफिक नेम टारो दीटा पार्ट्स थिला गोटे होची जेनस पार्ट व्हिच कंटेन्स द जेनेरिक नेम एंड आ गोटे होची स्पेसिस पार्ट एटा होची स्पेसिस पार्ट व्हिच इंक्लूड्स द स्पेसिफिक नेम तो गोटे होची जेनस आ गोटे होची स्पेसिस तनो साइंटिफिक नेम को से दी भागरे व्यक्त करथिले सेथिमे एटा को हम को जे बाइनोमियल बाइ मींस टू नोमियल मींस नेम टू नेम्स अर्थात साइंटिफिक नेम को डिवाइड करछंती दी भागरे वन इज जेनस एंड अदर इज स्पेसिस तो एटा होची ह्यूमन बीइंग रा साइंटिफिक नेम विषय जे जानिले नाउ द रूल्स एंड रेगुलेशन ए साइंटिफिक नेम लेखिवार किछ रूल्स एंड रेगुलेशन अछि से रूल्स एंड रेगुलेशन टिके हम पढिबा रूल्स कोन अछि साइंटिफिक नेम बाय बाइनोमियल क्लिचर द रूल्स रूल्स तो नेक्स्ट जो रूल्स हम जो कोइबा फर्स्ट देखो जो हमें लिखु छथि साइंटिफिक नेम गुडी को बाय जो डिफरेंट एनिमल्स साइंटिफिक नेम लिखु छथि लेखिया बड़ को हमें को विषय प्रति ध्यान देबा त रूल्स कोन अछि तो प्रथमे जो जेनस अछि प्रथम नाम तक हमें जेनस के बेटा होछि स्पीशीज सब मन रखिता जेनस लिखला बेलू जेनस नेम टे लिखला बेलू इनिशियल लेटर बा जो प्रथम लेटर शुड बी कैपिटल होबा दरकार तो इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल रूल्स रा प्रथम गुडी जिस लिखा इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल तो ए जो जेनस नेम लिखला बेल को प्रथम लेटर प्रथम जो अक्षर टी ये कैपिटल लेटर हवा दरकार प्रथम रूल्स सेकंड होची द इनिशियल लेटर ऑफ द स्पीशीज स्पीशीज रे इनिशियल लेटर प्रथम लेटर शुड बी स्मॉल ये स्मॉल हवा दरकार इनिशियल लेटर ऑफ इनिशियल लेटर एटी ऑफ जेनस लिखतिल भलाई त जेनस शुड बी कैपिटल एंड इनिशियल लेटर ऑफ स्पीशीज शुड बी स्मॉल तले स्पीशीज रो प्रथम लेटर टी स्मॉल हबो एवं जेनस रो प्रथम लेटर टा होची कैपिटल लेटर नंबर 3 लेखी सारिबा परे ये जो जेनस एंड स्पीशीज नेम को लेखी सल्ला परे अंडरलाइनिंग शुड बी डन तळे गारो दिया जिवो अंडरलाइनिंग शुड बी डन तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राइटिंग अंडरलाइन टू बी द अंडरलाइन करिबो ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राइटिंग अंडरलाइनिंग करिबो उचित अंडरलाइनिंग शुड बी क्लियर अप दिस तो प्रथम हम जानिबा जे जेतबेळ को आमे साइंटिफिक कोनसी नेम लिखुचंती बा कोनसी वैज्ञानिक नामकरण करचंती डिफरेंट एनिमल्स को तार जेनस गोटे पार्ट अछि कोन स्पीशीज पार्ट अछि जेनस पार्ट रे प्रथम लेटर कैपिटल हबो एंड स्पीशीज पार्ट रे प्रथम लेटर स्मॉल हबो एवं लेखि सारिया परे अंडरलाइनिंग दिया जिवो ओके आ गोटे जिंस होउछि लेटर शुड बी इटैलिक्स भी हबा दरकार ए लेटर गुडी को इटैलिक्स रे लिखले आ टिके बेटर इटैलिक्स जेंति कि एमिति का इटैलिक्स माने टिके तरे छथाय ओ मो sapiens तो लेटर शुड बी इटैलिक्स इटैलिक्स लेटर रे लिखा जाए बट एमती नॉर्मली हम पढिला बेले को नॉर्मल लेटर लिखु छै त बट जतो को तमो साइंटिफिक नेम कोठी पढि थियो परीक्षा त इटैलिक्स लिखले बेटर हो ओके तो बर्तमान हम जिबा किछ साइंटिफिक नेम को किछ पढिबा साइंटिफिक नेम तो प्रथमे हमें साइंटिफिक नेम पढिबा प्रथमे फिश बा माछ मानकर आमे देखिया साइंटिफिक नेम दीटा माछ हम तुम कहिबी तमे माछ सब खाइथिबो रोही माछ एंड भाकुड़ माछ सब खाइथिबो तो प्रथमे आमे रोही माछ कथा चिंता करिया रोहू नंबर 1 रोही माछ को कहंती रोहू एटा होची रोही माछ रो इंग्लिश नेम होची रोहू रोहू रो साइंटिफिक नेम होची लाबी और रोहिटा एरा साइंटिफिक नेम होची साइंटिफिक नेम होचे लाबियो रोहिटा लाबियो
रोहिटा। नंबर टू भाकुर माछ जो आमे खाइथिबो भाकुर ताकु इंग्लिश रे कोंदी भाकुर 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 माछर साइंटिफिक नाम होची काटला 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 काटला। नंबर थ्री रेट रेट माने कौन मूसा मूसा केमिति कामुडे रात तो किना कामुड़ दिए तो मूसा रो साइंटिफिक नाम होता राटोस 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 राटोस। नेक्स्ट नंबर फोर हमें पढ़ीबा वाल लिजर्ड बा हाउस लिजर्ड वाल लिजर्ड वाल लिजर्ड माने झिटिपिटी वाल लिजर्ड में जो भी हेमी डैक्टिलस क्लबी ब्रीडिंग यार साइंटिफिक नो हो ची हेमी डैक्टिलस क्लबी ब्रीडिंग क्लबी वेरी दिस क्लबी वेरी दिस। नंबर फाइव गार्डन लिजर्ड गार्डन लिजर्ड अर्थात एटा होची एंडो गार्डन लिजर्ड टा यार साइंटिफिक नाम कालोटेस कालोटेस वर्सिकलर वर्सिकलर कालोटेस वर्सिकलर गार्डन लिजर्ड। तापर नंबर सिक्स को जीवा नंबर सिक्स नंबर सिक्स नंबर सिक्स हमें जीवा फ्रॉग फ्रॉग जो हमें कोचन थी इंडियन बुल फ्रॉग जो टाइम हमें कोचन थी पानी ले रोई था जो बेंगवटी तब को हमें कहीं बार रान्ना टाइग्रिना रान्ना रान्ना टाइग्रिना और यहाँ को हमें टाइजरीना भी कहीं पर यार टाइजरीना टाइजरीना तो दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ़ द फ्रॉग। एंड वंस आप गोटे मुझे मुझे भी नंबर सेवेन रे टोड टी ओ ए डी टोड मैंने तुम्हें देखी थी वो घर रे कि मैं काठो पाखरे थाए काठो बेंगो ताको हमें कही बार टोड इसका साइंटिफिक नेम है बुफो मेलानोस्टिक्टस बुफो मेलानो मेलानो स्टिक्टस स्टिक्टस तले टोड और साइंटिफिक नेम हो जी बुफो मेलानोस्टिक्टस। तो आज तो आम समय आज ये पढ़ा नेक्स्ट क्लास पुणे डिफरेन्ट आनिमल्स साइंटिफिक नेम आज पढ़ा जमीक आम बहुत गुडा एनिमल्स अच्छा साइंटिफिक नेम गुड़ा नेक्स्ट क्लास जा तो आज के लिए नेक्स्ट क्लास पुणी देखा हे तो टुडे दिस मच ओके थैंक यू।